नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, जिसको हम पहले लॉयड्स स्टील इंडस्ट्रीज के नाम से जानते थे। ये स्टॉक 63.70 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में आज इसने 1.16% का डाउन मूव दिया है। मार्केट कैप हो गया इसकी 7,295 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 57.20% है। बुक वैल्यू 2.29 है। डिविडेंड यील्ड इसकी 0.16% है एंड फेस वैल्यू 1 है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक न्यूज आई है जिसमें उन्होंने बताया है कि कब रिजल्ट आने वाला है एंड डिविडेंड के बारे में, उस न्यूज को इसमें डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। आप देख सकते हैं वेरी फर्स्ट वीडियो में फंडामेंटल एक्सप्लेन किए हैं। अभी के लिए शॉर्ट में देखें तो ये स्टॉक 50 और 200 दोनों डीएमए से ऊपर ट्रेड करा है, जो कि एक अच्छी बात है। पी रेशियो मीडियम से छोटू सी ऊपर है, इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ने तो डाइव डाउन किया है, बट सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुए हैं एंड अभी रिजल्ट आने वाला है, तो वी आर होपिंग फॉर ए गुड रिजल्ट, लेट्स सी। तो अभी मार्केट में आज क्या हुआ है, सो बेसिकली आज मार्केट में जो जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि वॉलीटेलिटी देखने को मिल सकती है क्योंकि निफ्टी हमारी हाई की रेजिस्टेंस पे है, तो उसमें वॉलीटेलिटी हमें देखने को मिली। एंड आज मार्केट में यहाँ पे भी सारे स्टॉक्स में भी हमें यूजली मिली है देखने को वॉलीटेलिटी। कुछ स्टॉक तो बहुत अच्छे भाग गए हैं जैसे कि हुडको, तो कुछ स्टॉक्स में हमें काफी वॉलीटेलिटी मिली है। तो अभी के लिए देखें तो हम अपने जो हमारा टारगेट था वो ये हमारा एड अप हो गया है कि मंथ के एंड तक हमें अब 15% के आसपास के मूव की उम्मीद है, कि हो सकता है कि मंडे को ये दे जाए हमें मूव, क्योंकि एक न्यूज आई है उसके लिए चलते हैं हम बीएससी पे। बीएससी पे देखिए इसका प्राइस बैंड है 20% का एंड न्यूज आई है 26 को आज। काफी सारी न्यूज आई है, तीन न्यूज तो है डुप्लीकेट सर्टिफिकेट की है एंड एक न्यूज में दिखाया है इन्होंने कि 2 मई को थर्सडे को इनका आने वाला है रिजल्ट। एंड तो यहाँ पे बताया है टू कंसीडर एंड टेक ऑन रिकॉर्ड द ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द कंपनी फॉर द क्वार्टर एंड ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। सेकेंड है टू कंसीडर एंड रिकमेंड द फाइनल डिविडेंड इफ एनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। तो यहाँ पे अगर कोई डिविडेंड होगा तो वो भी अनाउंस करने वाले हैं एंड रिजल्ट 2 मई को अनाउंस होने वाला है। तो आगे इन्होंने बताया है कि जो इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए होते हैं कि विंडो क्लोज की जाती है वो है। तो बेसिकली न्यू रिजल्ट की न्यूज आ चुकी है, 2 मई को रिजल्ट आने वाला है एंड थर्सडे है उस दिन। तो नेक्स्ट वीक हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि अभी इसका भागना भी ड्यू है, होपफुली रिजल्ट आने वाला है तो तब तक शायद ये मंडे या ट्यूसडे को हमें अच्छे मूव दिखाए एंड रेस्ट देखते हैं रिजल्ट कैसा रहता है, तो हो सकता है कि उसके बाद ही भागे। बट यूजली ये देखा गया है कि रिजल्ट के बाद स्टॉक्स उतना ज्यादा जोर नहीं पकड़ते हैं, बट इसने रिजल्ट से पहले नहीं पकड़ा तो शायद रिजल्ट के बाद पकड़ ले। सो लेट्स सी क्या होता है। अभी वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम आज आया है 8.55 मिलियन का एंड कल आया था 11.21 मिलियन का। तो रिजल्ट में हमें डाउन मूव, सॉरी रिजल्ट में बोल रही हूँ, वॉल्यूम में हमें थोड़ा सा यहाँ पे डाउन जंप देखने को मिला है। एक चीज है जो मैं नोटिस करी है, अब पता नहीं वो होगी कि नहीं होगी, अभी अधूरी है वो चीज थोड़ी सी। तो यहाँ पे एक चीज मेरे को देखने को मिली है, जस्ट अ सेकेंड पहले मुझे ये हटाने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ से जा चुका है हमारा आरएसआई, यहाँ से थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था ये देखना। तो अभी हमें एक चीज देखने को मिली है, इसकी सेटिंग हमें चेंज करनी पड़ेगी, जस्ट अ सेकेंड, बेयर विद मी। तो दिस इज 80, दिस इज 60, जस्ट अ सेकेंड एंड समथिंग इज रॉन्ग विद माई कीपैड, सो दिस इज 40। तो ये मैं अपनी एनालिसिस के लिए रखती हूँ। तो अभी के लिए ना एक चीज मेरे को देखने को मिली, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये लाइन है इसको मैं कलर चेंज कर दूंगी, ये लाइन जो है ये ऊपर जा रही है, इसका कलर चेंज करके हम ऑरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है राइट, एंड यहाँ पे सेम यही लाइन जो है वो काइंड ऑफ स्ट्रेट है यहां से, ठीक है। अब ये अधूरा है वैसे, अगर ये ऊपर को कर लेता है यहां से चला जाता है ऊपर तभी होगा, तो अगर ये हमें मिलता है तो ये डायवर्जन है, और ये डायवर्जन क्या है, ये होता है हिडन बुलिश, ठीक है। तो बड़ी सारी डायवर्जन होती हैं, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें डायवर्जन मिल रहा है, अभी श्योर नहीं हूं, बट हो सकता है कि हमें मंडे को अगर ये हमें दे देता है, स्पाइक अप हो जाता है, ऊपर चला जाता है, मूव दे देता है, तो मुझे लगता है कि यहां से हमें डायवर्जन मिलने की पूरी पूरी संभावना है। एंड अगर ऐसा होता है तो ये हिडन बुलिश है एंड हमें काफी अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं, ठीक है।
तो अभी के लिए अगेन हमारे टारगेट वही है, मंथ एंड तक के लिए हमें चाहिए 15% के आसपास की हम उम्मीद कर रहे हैं कि 72 के 73 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ मिलेगा। एंड जब इसका जो हमने किया था जून के एंड तक का वो हम लेके चले थे कि जून के एंड तक का सॉरी हम ये टारगेट लेके चले थे 100 तक ट्रेड करता हुआ होगा। एंड अगर ये पुराना पैटर्न अपना फॉलो करता है तो बहुत ही कम समय में हो सकता है कि 15 मई तक ही, अगर ये पैटर्न फॉलो करता है तो हो सकता है कि मैं 80% के आसपास जो इसने पहले मूव दिया था वैसे अगर पैटर्न बनाता है तो हो सकता है कि हमें मूव देखने को मिले काफी अच्छे। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेम RSI उसी पॉइंट पे है, वही ये पैटर्न बना रहा है यहाँ से, देखें अगर आप थोड़ा सा तो वही ये कंसोलिडेशन का पैटर्न बना रहा है। यहाँ से ये गया था तो इसने बहुत कम टाइम में, कितने टाइम में, 9 बार्स हैं इसकी यहाँ से, तो 9 बार्स मतलब 9 ट्रेडिंग डेज में इसने हमें 80% दिया था। तो हो सकता है कि ये देखने को मिले, ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। रेस्ट आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। हाय, सो स्टार्टिंग में हमने डिस्क्लेमर दिया था कि वीडियो के एंड में कुछ न्यूज़ है। सो जल्दी ही हमारे चैनल पे जहाँ पे ये आ रहा है वीडियो, यहाँ पे और भी चीज़ें आने वाली हैं, जैसे कि बेसिकली मैंने कुछ वीडियोस में बताया है कि हम कोर्सेज पे काम कर रहे हैं एंड कोर्सेज में काफ़ी चीज़ें आने वाली हैं, उसमें स्ट्रेटजीज रहेंगी एंड कुछ चीज़ों को डीपली मैं कैसे एनालाइज़ करती हूँ या आप कैसे एनालाइज़ कर सकते हैं उन सारी चीज़ों को, तो उसके बारे में ना काफ़ी सारी चीज़ें रहेंगी कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हम अपना सकते हैं। तो बेसिकली मैं अभी थोड़ा छोटी सी मैंने एक चीज़ करने की कोशिश करी है, जो कि है बेसिकली जब मैंने 8 साल पहले यहाँ पे स्टार्ट किया था, जो सीरियसली स्टार्ट किया था मैंने यहाँ पे करना इसमें शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, तो मुझे ना बड़े सारे चैलेंजेस आए थे, जैसे कि कोई इंडिकेटर लगा है तो कैसे लगा है, कोई मैंने पैटर्न बनाया है तो कैसे बनाया है। एंड जैसे कि मैं अभी इसी पे चल लेती हूँ, तो अभी मैंने इसकी वीडियो बनाई है इनफैक्ट, तो ये मैंने कैसे बनाया है, ये जो है इंडिकेटर्स ये कैसे काम करते हैं, ये जो सारा कुछ है ये कैसे काम करता है, फिबोनाची कैसे काम करता है, फिब रिट्रेसमेंट कैसे काम करता है, एंड ये सारी चीज़ें कि ये सारे पैटर्न कैसे बनाने हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि कितना कैसे एनालाइज करना है। तो मैं काफ़ी ब्लैंक होती थी चीज़ों को देख के, क्योंकि जो मैंने कोर्सेज ज्वाइन किए थे जहाँ से मैंने सीखा था या जिन्होंने मुझे सिखाया था, तो मैं काफ़ी ब्लैंक रहती थी चीज़ों को देख के कि क्या हो रहा है, कैसे होगा मेरे से। तो उस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने एक चीज़ करी है, मैं यहाँ पे क्योंकि जो कोर्सेज आने वाले हैं तो यहाँ पे बेसिकली फ्री में कुछ मटेरियल रहेगा, जैसे ये है हाउ टू फाइंड पेनी स्टॉक्स, है ना, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बताया है कि आप कौन से यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं ट्रेडिंग व्यू पे एंड स्क्रीनर पे कैसे देख सकते हैं। तो मैंने कुछ ऐसी वीडियोस बनाने वाली हूँ जिसपे मैंने इंडिकेटर्स क्यों हैं, कैसे लगाना है, कैसे डिलीट करना है, एक ही चार्ट में मल्टीपल इंडिकेटर्स कैसे लगाने हैं, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताया है मैंने इसमें, इन वीडियोज में बताने वाली हूँ एक एक करके, एक ही वीडियो में नहीं होगा, एक एक करके कुछ वीडियोज आने वाली हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे को बहुत सारी ईमेल्स आती हैं, मैंने अपनी ईमेल आईडी दे रखी थी, कुछ क्वेरीज हो तो आप मुझे बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेजेस आते हैं कि मैम सीखना है कैसे आप एनालाइज करते हो तो इसके बारे में सीखना है, तो उसको मैं सिंप्लीफाई करना चाहती हूँ ताकि जब आप कोर्स ज्वाइन करें यहाँ पे, जो भी कोर्सेज आने वाले हैं क्योंकि वो थोड़े से एडवांस होंगे, तो मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं वो कोर्सेज में इंडिकेटर लगाऊं कोई या कोई भी ऑसिलेटर लगाऊं, तो आप ना जीरो से स्टार्ट ना करें और आप ये ना हो कि ब्लैंक हो कि ये ऑसिलेटर क्या होता है, ये इंडिकेटर क्या होता है, या फिर मतलब कि बहुत सारे मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसको लेके कि ये लाइन क्यों लगाई है, ये अप ट्रेंड में, क्योंकि अप ट्रेंड में भी डाउन ट्रेंड देखना, उसका रिवर्सल देखना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तो आपको ना आप ब्लैंक ना हो, तो वो सारी चीज़ें एंड कैसे स्क्रीनर पे ढूंढना है, कैसे ट्रेंडी लाइन पे देखना है चीज़ें, कैसे उसका डेटा देखना है, फंडामेंटल एनालिसिस जो होती है वो कैसे करनी है, तो उसके बेसिक्स जो है ना यहाँ पे फ्री में रहेंगे। दो सेक्शन बनेंगे, एक बनेगा कैंडलस्टिक पैटर्न का, उसमें मैं थोड़ा सा कैंडलस्टिक के बारे में बताऊंगी डिटेल में
कोर्स उसमें होगा कोर्सेज में, बट कैंडलस्टिक पैटर्न्स में वैसे सोच रही हूँ कि मैं सारा यहीं पे कवर करूंगी जो फ्री में अवेलेबल रहेगा, एंड वो रहेगा, एंड एक टूल्स का रहेगा जिसमें टूल्स में डिटेल में बताया होगा स्क्रीनर कैसे यूज करना है, ट्रेंडी लाइन कैसे यूज करना है, फिर जैसे ASM लिस्ट का कैसे देखना है, जो प्राइस बैंड चेंज होता है उसका कैसे देखते हैं, एंड जैसे कि ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज करना है उसमें, अगर आप हो सकता है कि कोई इंट्राडे कर रहे हो तो अभी इंट्राडे पे मैं फोकस नहीं कर रही हूँ, बट आने वाले टाइम में ऑफकोर्स करूंगी, तो इंट्राडे में उस पर जैसे आप फॉर एग्जांपल आप कुछ कर रहे हो एंड आपने अपना कुछ ट्रेड लिया है तो उसके ऊपर कैसे आपको अलर्ट्स लगाने हैं, अपनी वो विश लिस्ट कैसे बनानी है, वॉच लिस्ट कैसे बनानी है, तो ये सारी चीज़ों को मैं कवर करने वाली हूँ। एंड आने वाले टाइम में कुछ हमारे एजुकेटर्स हैं जो शेयर मार्केट में कुछ कंसिडरेबल अपना टाइम दे चुके हैं, काफ़ी 8-10-12 साल दे चुके हैं, तो उनको भी हम लेके आने वाले हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, जिनसे उस हमें काफ़ी सारा नो हाउ जानने को मिलेगा कि क्यों कहाँ कैसे किन कौन सी गलतियां हैं जिन जो हम ना करें तो हम बच सकते हैं, किस जिससे हमारा ज़्यादा नुकसान ना हो, एंड कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारा ट्रेड हमें बेटर ट्रेड मिले, कैसे कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, कैसे ढूंढने हैं स्टॉक्स जो कि काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहे हैं एंड हो सकता है कि अब ब्रेकआउट देने वाले हों, तो वो कैसे ढूंढने हैं, तो ये सारी चीज़ें ना मैं यहाँ पे फ्री में थोड़ा सा करने वाली हूँ, एंड ये बहुत सारे हमारे चैनल पे आने वाले टाइम में काफ़ी सारे हमारे प्लान्स हैं इस चैनल को लेके, एंड आने वाले टाइम में हम कुछ ऐसे एजुकेटर्स को इनवाइट भी करना चाहते हैं एंड करने भी वाले हैं, एंड कुछ हमारे साथ कोलैब भी करने वाले हैं, एंड मैं बस ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके कि फ्री में यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मिलने वाली हैं जो जिसके लिए बहुत सारे लोग बहुत सारे पैसे पे कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा सा आपको जो ग्राउंड वर्क है ना वो यहाँ पे मिले, बेसिक का भी रहेगा यहाँ पे, एडवांस भी रहेगा एंड इंटरमीडिएट का भी रहेगा, तो जो एडवांस लोग हैं तो वो कमेंट सेक्शन में जो वीडियोस बनेंगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि वो कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, तो हो सकता है कि जो यहाँ पे बिगिनर्स हैं जो बेसिक से ट्राई करना चाहते हैं वो उनको थोड़ा सा समझ आए कुछ चीज़ें, इंटरमीडिएट अगर कुछ जानना चाहते होंगे तो वो बता सकते हैं कि आपको क्या जानना है, कुछ नहीं समझ आ रहा किसी चीज़ के बारे में नॉलेज चाहिए तो वो बता सकते हैं, एंड बेसिक वालों के लिए जो भी क्वेश्चन रहेंगे क्योंकि हम बिल्कुल ही लेमैन लैंग्वेज में बिल्कुल ही सिंप्लीफाई करके जितना हो सकेगा उतनी कोशिश करूंगी मैं कि बिल्कुल सिंप्लीफाई करके आपको यहाँ पे बता सकूँ वो बिल्कुल, ताकि आप जीरो से स्टार्ट ना करें जब आप कोर्सेज ज्वाइन करें, चाहे हमारे चाहे किसी के, तो क्योंकि थोड़े से एडवांस होते हैं तो हमारे करने होंगे तो हमारे कर सकते हैं, थोड़े टाइम में आने वाले हैं, किसी और के भी आप ज्वाइन करें तो आपको बेसिकली वो एक होता ना कि होमवर्क रहेगा आपका कि आपको चीजें समझ आएंगी क्या हो रही है, ठीक है, तो रेस्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। तो अभी वीडियोस डली नहीं है, डलने वाली है, एंड कोई अगर इस वीडियो को लेट सुन रहा है तो आप जाके चेक कर सकते हैं, हो सकता है डल चुकी हूँ अभी तक वीडियो, ठीक है, थैंक यू।